आज हम 2018 की एक कॉमेडी फिल्म हेलो मिस्टर बिलियने के बारे में बात करेंगे फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है जिसमें हमें डो यू नाम के सैतीस वर्षीय फुटबॉल गोलकीपर को दिखाया जाता है जो एक मामूली लीग टीम के लिए खेलता है उसका फुटबॉल करियर भी ज्यादा सफल नहीं रहा एक मैच के दौरान उसने एक प्रतिद्वंद्वी के पिछवाड़े में काट लिया जिसके कारण उसे टीम से बाहर कर दिया गया वांग महिला टीम के साथ खेलने के लिए महिला बनने का नाटक करता है और चित्रकारों के साथ काम करने के लिए नग्न मॉडल भी बनने को तैयार हो जाता है जब मिस्टर जिन उसे लंच के लिए बुलाते हैं तो वांग सोचता है कि उसे एक अच्छी टीम में शामिल होने के लिए बुलाया गया है लेकिन मिस्टर जिन वांग से कहते हैं कि उसे अगले मैच में जान हारना होगा बदले में उसे ढेर सारे पैसे मिलेंगे वांग इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है और कहता है की वह कभी अपनी टीम को धोखा नहीं देगा और अगले मैच में वह विपक्षी टीम को एक भी गोल नहीं करने देगा लेकिन वांग के शब्द उलटे हो जाते हैं और वह एक भी गोल को रोक नहीं पाता जिससे विपक्षी टीम गोल कर देती है दूसरी टीम के खिलाड़ी खुशी में उसे उछलते हैं क्योंकि उसने इतनी आसानी से हार मान ली इस वजह से वांग को टीम से निकाल दिया जाता है और वह अपने अपार्टमेंट से बाहर नहीं जाता उसका साथ ही और सबसे अच्छा दोस्त चांग जुआंग उसे बाहर ले जाता है और वादा करता है की उसकी नौकरी जल्द ही वापस मिल जाएगी लेकिन कोच उसकी बेइज्जती करते हुए कहते हैं की उसकी जगह कोई कुत्ता भी होता तो कम से कम एक गोल रोक लेता लेकिन वांग से वह भी नहीं हो सका कोच की कड़वी बातों को सुनकर वांग का दोस्त टीम छोड़ने की धमकी देता है लेकिन कोच हंसते हुए उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं क्योंकि इन दोनों की वजह से उनकी टीम की हालत खराब हो गई थी रास्ते में घर लौटते समय एक आदमी वांग की गाड़ी से टकराने का नाटक करता है जिससे वांग और उसका दोस्त उसे पकड़कर पहले तो उसे लतियाते हैं फिर उसके शरीर से कार की खिड़की साफ करते हैं तभी एक जवान लड़की उन्हें देख लेती है और उसे लगता है की ये दोनों गुंडे उस भले आदमी को परेशान कर रहे हैं इसलिए वह एक हाथ में कैमरा लेकर उनका वीडियो बनाती है और लोगो को गवाह बनाने के लिए उन्हें अपने पास बुलाती है इसे दोनों को पुलिस पकड़ कर जेल में डाल देती है इन दोनों की जमानत का पैसा मिस्टर जिन देते हैं और फिर बताते हैं कि उन्होंने जो भी वांग से अपनी टीम को धोखा देने के लिए कहा था छूट था वह सब दरअसल सब उनकी परीक्षा लेने के लिए किया गया इसके बाद वह वांग को अपने दफ्तर में ले जाते हैं और बताते हैं कि तुम्हारे दादा का एक भाई था जो तुम्हारे परिवार से अलग हो गए अब उनकी मौत हो चुकी है और तुम उनके पैसे के अकेले वारिस हो लेकिन पैसे पाने के लिए तुम्हें एक परीक्षा पास करनी होगी जिसमे वांग को एक बिलियन युवा को एक महीने में खर्च करना होगा इसकी कुछ शर्तें हैं पैसे का उपयोग कानूनी तरीके से होना चाहिए किसी को उपहार नहीं दिया जा सकता और न ही उन पैसे को चैरिटी में दिया जा सकता है सभी पैसे केवल अपने लिए खर्च किए जा सकते हैं और वांग अपने काम के लिए सौ लोगों तक को हायर कर सकता है साथ ही कोई भी मूल्यवान सामान नष्ट नहीं कर सकता और इस खेल के बारे में किसी को नहीं बताना होगा अगर वांग इस चुनौती को स्वीकार नहीं करता तो उसे दस मिलियन युवान मिलेंगे और कुछ नहीं होगा लेकिन अगर वह चुनौती स्वीकार करता है और हार जाता है तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। वांग उस चुनौती को स्वीकार करता है और मिस्टर जिंद उसे सूचित करते हैं कि वह अगले महीने उसकी निगरानी करेंगे और उसके खर्चों का हिसाब कंपनी की एक अकाउंटेंट रखेगी ये अकाउंटेंट शियाजू निकलती है जो वांग को देख कर उसके साथ काम करने से मना कर देती है लेकिन वांग उसे बदला लेने के लिए अपने साथ काम पर रख लेता है वांग और उसका दोस्त बैंक के वॉल्ट में जाते हैं जहाँ ढेर सारा पैसा रखा हुआ था जिसे देख वांग हैरान रह जाता है वांग पैसे से भरे बैग लेकर बाहर आ रहा था लेकिन वांग अपने पैसे को तुरंत खर्च करने लगता है और सभी गार्ड्स को ऊंचे वेतन पर हायर कर लेता है इसके बाद वह अपनी पुरानी फुटबॉल टीम को बताता है कि वह उनके लिए एक बड़े फुटबॉल लीग का आयोजन कर रहा है जिसके लिए वह इस स्टेडियम की मरम्मत करेगा टीम उसके अमीर होने पर विश्वास नहीं करती और वांग पर हंसने लगती है इसीलिए वांग एक, एक एग्जिबेटर से पैसे को फुटबॉल फील्ड में गिरवा अपनी अमीर होने का दिखावा करता है फिर वांग और शियाजू एक होटल में जाते हैं और उस होटल को पूरे महीने के लिए किराए पर ले लेते हैं और एक भव्य दावत का आयोजन करते हैं दावत के दौरान वांग अपने नए निवेश कंपनी की घोषणा करता है और अपने दोस्त चांग जुआंग को उसकी कंपनी का सीईओ बना देता है वांग अजीब तरीके से पैसे खर्च करना जारी रखता है जैसे उसने एक मिलियन डॉलर की हेयर कट और महंगे कपड़े किराए पर शियाजू उसे समझाती है कि इस तरह पैसे जल्दी खत्म हो जाएंगे लेकिन वांग पैसों की परवाह नहीं करता है शियाजू का बॉयफ्रेंड जियानान लू वांग को अपने लेक्चर के बारे में बताता है जिसके एक भी टिकट नहीं बिके थे वांग उन सारे टिकटों को खरीद लेता है जिससे जियानान लू का नजरिया बदल जाता है और वह वा वांग का गार्डनर बनने के लिए तैयार हो जाता है शियाजू को जियानान की असली पहचान पता चल जाती है कि जियानान सिर्फ पैसे के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा है और इससे निराश होकर शियाजू उससे ब्रेकअप कर लेती है।, और है अब वांग जान बुझ खराब निवेश करता है और एक अजीब से इन्वेंशन के लिए भी पैसे देता है और उसे लगता है की अब तो उसके पैसे डूब जाएंगे लेकिन अगले दिन उनके शेयर की कीमत काफी बढ़ जाती है उसी दिन शियाजू का जन्मदिन था और जब यह बात उसे पता चली तो वह उसके लिए एक खूबसूरत पार्टी

पुरस्कार देती है वांग अपने सारे पैसे को एक साथ खर्च करने के लिए फुटबॉल लीग की शुरुआत करता है अगर योजना खराब भी होती है तो उसका भी फायदा होगा मैच की शुरुआत टीम टीम और हैंगटाई से होती है पहले हाफ में हैंगटाई की टीम ने आठ गोल किए जबकि डाशिंग की टीम एक भी गोल नहीं कर पाई वांग अब सोचता है कि उन्हें कम से कम दो गोल रोकने पड़ेंगे नहीं तो वे हार जाएंगे लेकिन दूसरे हाफ में वांग को रोकने के लिए सामने वाली टीम उसके चारों ओर घूमने लगती है जिससे वांग एक भी गोल नहीं रोक पाता अब उसके सामने वाली टीम टीम के गोल रोकने हैं इसलिए टीम के सभी खिलाड़ी वांग के साथ खड़े हो जाते हैं ताकि कोई भी बॉल अंदर न जा सके लेकिन सामने वाली टीम जान बॉल को उनके चेहरे पर मार रही है इससे वांग की टीम के सभी खिलाड़ी घायल हो जाते हैं लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और खेल में जुटे रहे खेल के प्रति ऐसी भावना देख दर्शकों की सहानुभूति वांग की टीम को मिलने लगी और उनकी टीम के समर्थन में स्टेडियम में जयकार करने लगे यहाँ तक कि उनके कोच ने मैच में शामिल होने की कोशिश की क्योंकि उनके पास सब की कम हो गई लेकिन कोच एक पानी की बोतल से फिसल कर नीचे गिर जाते हैं और मैच में कुछ करने से पहले ही बाहर हो जाते हैं लेकिन वांग की टीम अंत तक डटी रही और एक भी गोल नहीं होने दिया जब रेफरी ने खेल को जीरो नौ पर किया, तो पूरा स्टेडियम ऐसा जश्न मना रहा था जैसे डार्शिंग ने जीत हासिल की हो क्योंकि इतनी ताकतवर टीम को दो अंकों तक पहुँचने से रोकना उनके लिए एक मैच जीतने जैसा था तभी वांग को शियाजू के फोन से एक कॉल आता है लेकिन वह आवाज किसी और की थी जो वांग को बताती है कि उसने उसकी प्रेमी का अपहरण कर लिया है लेकिन वांग को 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 लगता है 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 कि यह यिन और 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 ली का एक और प्लान इसलिए वह कुछ गुंडों किराए पर लेता है और उन दोनों को बांध कर सच्चाई उगलवाने की कोशिश करता है लेकिन उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता था तभी वांग को फिर से किडनेपर का कॉल आता है और उसमें एक वीडियो था जिसमे दिखाया जाता है की वह जियानान को एक इमारत की छत से धक्का दे देगा अगर उसने छह बजे तक दस मिलियन नहीं दिए अगर वांग शियाओजू और जियानान को बचाने के लिए पैसे देता है तो वह खेल के नियमों का उल्लंघन होगा और वह अपने दूसरे दादा के पैसे को खो देगा जो वह नहीं चाहता लेकिन यह उसकी आखिरी परीक्षा थी जो कि उसके दादा ने खुद ही उसके लिए बनाई उसे यह साबित करना होगा कि वह पैसे से ज्यादा अपने दोस्तों की जिंदगी की परवाह करता है अगर वह ऐसा करता है तो वह चुनौती जीत जाए जैसे जैसे घंटे बीतते हैं वांग उस समय को पीते और गाते बजाते हुए बिता देता है और समय पर नहीं पहुँचता छह बजे के बाद मिस्टर जिन और शियाओजू काफी निराश महसूस करते हैं लेकिन जब वे सीढ़ियों पर चढ़ने वाले होते हैं तो वे वांग को अपने पैसे की बोरियों के साथ रोते हुए पाते हैं जो शियाओजू की जिंदगी के बदले में देने के लिए तैयार मिस्टर जेन उसे परीक्षा पास करने पर बधाई देते हैं और वांग के दादा द्वारा छोड़ी गई अंतिम संदेश को दिखाते हैं जिससे वह आश्चर्य चकित हो जाता है लेकिन वे अमीर होने के बावजूद कभी शादी नहीं किए ताकि उसके भाई के पोते को सारी जायदाद मिल सके उम्मीद करता हूँ की आपको ये कहानी पसंद आए